ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखें, हमने ये बात की कि आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी कार है, आप कार यहां से लेकर सौ मान लीजिए दिल्ली से लेकर मेरठ तक ले जा रहे हैं। अब बीच में ट्रैफिक जाम आ गया, आपके सामने गाय आ गई, क्या करेंगे आप? गाड़ी में ब्रेक तो होना चाहिए ना। इसी तरीके से जो लूप है आपका, लूप लूपिंग कंस्ट्रक्ट में ब्रेक तो होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि सामने देखिए मैं दिल्ली से मेरठ जा रहा हूं, लेकिन बीच में जो मुरादनगर है या जो भी कोई जगह, मैं कोई भी नाम ले सकता हूं, आप उसको फिजिकली मत वो करिएगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अरे यहां पर ना थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो गया, यहां ट्रक पलट गया, मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, तो मेरा जो प्री स्पेसिफाइड पाथ है उसको मैं छोड़ूंगा, कहीं और से जाऊंगा, उसे कहते हैं कंटिन्यू। उस पार्ट को छोड़ के, कुछ पार्ट को छोड़ के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा तो उसे कहते हैं कंटिन्यू। ब्रेक मतलब मैं बीच में ब्रेक लगाना चाहता हूं। अगर मेरा ये काम बन गया, मैं एक साहब से मिलना चाहता हूं, या मान लीजिए मैं अपने यहाँ घर से लेकर थोड़ा मार्केट तक गया, मुझे मान लीजिए रैपिंग पेपर लेना है, मुझे पता नहीं कहाँ मिलता है, मैं आगे बढ़ता गया, जैसे मुझे एक दुकान मिल गई, मैं वहां रुक गया, मैंने रैपिंग पेपर ले लिया, मैं वापस आ गया। मेरा यह था कि मैं यहां से लेकर क्लॉक टावर तक जाऊंगा, है ना, तो बीच में ब्रेक कर गया, जब मेरा काम हो गया तो ब्रेक कर गया, यही ब्रेक स्टेटमेंट होता है। तो हो क्या रहा है इसमें? ब्रेक मतलब आप किसी जगह पे बाहर आना चाहते हैं लूप से, क्योंकि लूप तो चलता चला जा रहा है, कंडीशन भी मीट नहीं हुई, लेकिन ऐसी चीज जहां पर आप ब्रेक करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एक प्रोग्राम हमको लिखना है कि वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर क्या होता है? दो को छोड़ के, दो वैसे प्राइम है, उसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या वन से डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम नंबर डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दो तो प्राइम होता है, बाकी को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। यदि डिवीजन जीरो आ जाता है तो हम कहेंगे कि भाई ये नंबर तो प्राइम नहीं है। यदि कोई डिवीजन नहीं हो पाता है, उसी नंबर से डिवाइड हो पाता है, तो हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि वो नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा, बाकी और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया, नंबर एंटर कराया एनयूएम में, नंबर ले लिया, हमने आई इक्वल टू टू से शुरू किया और हमने कहा आई लेस देन इक्वल टू नंबर माइनस वन। उस नंबर तक जाएंगे हम जो नंबर एंटर किया गया है, दो से लेकर मान लीजिए किसी ने सात एंटर किया तो दो तीन चार पांच छह तक जाएंगे। ऐसी अगर किसी ने 77 कर दिया तो दो से लेकर पूरा करते करते 77 76 यहां तक चले जाएंगे। उन नंबर से हर एक जो वैल्यू आई है आई, इसको हम बढ़ाते रहेंगे और उस नंबर का मॉड्यूलो लेते रहेंगे। लेकिन जैसे ये मॉड्यूलो मतलब यहां से लेकर यहां तक सारे नंबर को हम इससे डिवाइड कर देंगे। अगर 77 के अलावा किसी और से ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 77 केवल एक से डिवाइड होगा या 77 एक से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, तभी ये प्राइम कहलाएगा। लेकिन 77 क्या है? 77 तो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है। तो जहां 7 इसको मिलेगा यही ये डिवाइड हो जाएगा, उसी पल हम बाहर आना चाहते हैं, साहब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो 7 से डिवाइड हो गया, तो बस हम यहां बाहर आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद हम यहां पर बोल देंगे जैसे कि i इक्वल टू नंबर, ये प्राइम। अगर यहां बाहर आ गए तो ठीक है, जब हम बाहर नहीं आए, अगर हम बाहर नहीं आए और हम इस i को लेते 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 77 तक पहुंच गए, कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो 77 को डिवाइड कर पाए, तो 77 तक पहुंच जाएंगे। 77 तक पहुंच के जब अगर हम पहुंच गए और i हमें 77 तक मिल गया, तो हम कहेंगे साहब ये तो प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो ये मॉड्यूलो जो है ये हमको बता रहा है कि हमको रिमाइंडर क्या आने वाला है, और व्हाइल लूप में हमने चेक कर लिया कि ये क्या है, अपना प्राइम है कि नहीं है। तो मेन मुद्दा इसमें व्हाइल और डू व्हाइल समझने का नहीं है, वो है ब्रेक का। अगर आपके पास 7 पे, जैसे मैंने कहा 77 जो है वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, 7 पे डिवाइड हो गया, तो 7 के आगे क्यों बढ़ना है? इसको तो बढ़ना ही नहीं है ना, जैसे मैंने कहा आपका काम यही हो गया तो इसमें बढ़ना नहीं है, तो ब्रेक कर लीजिए। तो ये ब्रेक कर लेगा, ब्रेक मतलब जो होता है ब्रेक हमेशा इनर लूप से आपको बाहर ले आता है। तो ये बाहर क्यों आ गया? क्योंकि हमने ये देख लिया कि नंबर प्राइम नहीं, जो लूप बाहर आ गया, क्योंकि अगर लूप उस जगह पे बाहर आया कि आपने डिवाइड करने की कोशिश की, वो किसी से डिवाइड ही नहीं हुआ, तब आप कहेंगे कि ये नंबर वाकई में प्राइम है। और हम दो से लेकर नंबर माइनस वन तक गए, हमने डिवाइड किया, नहीं मिला, हमने कहा प्राइम नंबर है। कोई नंबर ऐसा मिल गया जिससे उसका मॉड्यूलो या डिवीजन हो गया है
या मॉड्यूलर इसका जीरो आ गया तो आप कहेंगे ये प्राइम नंबर नहीं। जो कीवर्ड ब्रेक है ये आपका कंट्रोल ब्रेक कर रहा है। एक देखिए, आपने कहा आई इक्वल टू वन, जे इक्वल टू वन, आपने कहा कि वाइल आई प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 10, वाइल जे प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 20, अगर जे 150 हो जाए तो ब्रेक कर दीजिए। तो जे तो 150 हो गई ना, जे प्लस प्लस करते रहेंगे आप, जे आपने कहा ये जे है, बढ़ा भी रहे और 200 से कम, तो जे तो 1 से लेकर 150 तक पहुंचेगा, जैसे 150 तक पहुंचेगा आप बाहर आ जाएंगे, राइट। तो ये आपको बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रोग्राम में जैसे जे 150 पे पहुंचेगा, जो कंट्रोल है ब्रेक क्या करेगा, इट टेक्स द कंट्रोल आउटसाइड द इनर व्हाइल लूप ओनली, इस इनर व्हाइल लूप से, इस इनर वाले से यहां से यहां तक, इससे वो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये इनर में दिया हुआ है। जिस भी लूप के अंदर ब्रेक दिया है ना, मान लीजिए ये ब्रेक है, यहां पर ब्रेक, या ब्रेक आपको इससे बाहर ले जाएगा, बस इनर लूप से बाहर ले जाएगा।